Good evening and welcome to TGT PGT टी पी जी टी अरा ट्वेंटी फॉर सेवन आई एम ऐश्वार्यापुरी योर गाइड आइए क्लास स्टार्ट करते हैं डी ट्रिपल एस बी के English Literature के क्वेश्चंस को सॉल्व करके because आई एम श्योर ये सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रह रहे होंगे बिकॉज हम कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और हर क्वेश्चन के साथ हम कितनी सारी एडिशनल इनफॉरमेशन भी कैरी कर रहे हैं राइट थोड़ा so, सा yes, questions और options ऊपर नीचे हैं तो वो हल्की सी एक दिक्कत हमें आ रही है बट आइए चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जो जो क्वेश्चंस मुझे राइट ऑप्शंस में दिखेंगे मैं उन्हें आपके साथ सॉल्व करती चली जाऊंगी पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फोर ऑप्शन बिलो नॉट हेल्प डिफाइन पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर असेंशली इज एक सेकेंड हां जी पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर इज द लिटरेचर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बिलोंग करता है ये उन कंट्रीज का लिटरेचर है जो अर्स्ट वाइल्ड कॉलोनीज थी अंडर द ब्रिटिश एम्पायर एंड नाउ आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस दीज कंट्रीज दे आर ट्राइंग टू रिक्लेम देयर पास्ट बाय राइटिंग देयर ओन नारेटिवस इन देयर ओन वॉइस ऑल राइट सो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर को नहीं डिफाइन करता है ऑप्शन वन रिक्लेमिंग द पास्ट विदा विदाउट रिजर्वेशन करता है वी डू रिक्लेम आर पास बिकॉज हमारे कोलोनियल पीरियड में किसी भी कंट्री की हिस्ट्री इरेज कर दी थी उनके कोलोनियल मास्टर्स ने तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है एक्लेक्टिक एक्लिटेरियन अप्रोच दैट इज नॉट ए पोलिटिकल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि जो अप्रोच रहती है वो पोलिटिकल रहती है पोलिटिकल डायनामिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम साथ ही साथ हम मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट अप्रोच कहीं ना कहीं लेकर चल रहे हैं एक डायनामिक व्यू से कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को और डी के प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं तो ये भी अप्रोच रहती है पोस्ट कोलोनियलिज्म में अ पैल्पेबल सेल्फ रिफ्लेक्टिव स्ट्रेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो एक कर्स्टवेल कॉलोनी को बिलोंग करता है इन ऑर्डर टू रिक्लेम हिज ओन सेल्फ आइडेंटिटी ही हैज टू अंडरगो अ सीरीज ऑफ सेल्फ कंटेम्पलेन एंड सेल्फ मेडिटेशन सो एज टू अंडरस्टैंड हिज ओन पर्सनैलिटी सो एज टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ तो ये भी करेक्ट आंसर है अक्लेमिंग इम्पीरियलिज्म एंड इट्स लेगेसी इनकरेक्ट ऑफकोर्स हम इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट बोल रहे हैं इम्पीरियलिज्म को अक्लेम नहीं कर सकते हम इंपीरियलिज्म uh, को एक्ुलेट नहीं दे सकते हमें उसे कंडेम करना है राइट सो so, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है क्यों क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को डिफाइंड नहीं करता है आइडेंटिफाई अ पॉसिबल शावियन व्यू ऑन सोसाइटी एंड मैनर्स इन द एक्सचेंज बिलो ऑल दो भी क्वेश्चन का जो लेवल है वो टी जी टी लेवल से बाहर है बट एक कोर्ट हमें मिला है थोड़ा सा उस कोर्ट को डी कोड करते हैं जस्ट इन केस हायर लेवल के क्वेश्चन आ गए तब हम देखेंगे हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आंसर कर पाएंगे हिगिनस अजीनियल आफ्टर था अकरिंग टू हिम आई डेयर से माई मदर कुड फाइंड सम चैप और अदर हु वुड डू वेरी वेल लीजा सेज वीवर अबव दैट एट द कॉर्नर ऑफ रोड राइट right? सो so, यहाँ पे लीजा और हेगन्स के बीच का ये कॉन्वर्जेशन है का कैरेक्टर कैरेक्टर एक इंपॉर्टेंट है जी बी के प्लीज में आप मुझे बताओ किस प्ले से ये कैरेक्टर हमने बोरो किया है ठीक है फटाफट -फट से मुझे बता दो बिकॉज मैं आपको बोलती रहती हूँ सभी इंपॉर्टेंट राइटर्स के वर्क के कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए तो हेगन्स का कैरेक्टर कहाँ आता है फटाफट -फट से मुझे रिकोगनाइज करके बता दीजिए ऑप्शन वन लीजा फॉर्म ऑफ फ्लावर गर्ल फील्स दैट इट विल बी रॉन्ग टू मैरी अबव हर क्लास क्लास डिसाइड्स चॉइस ऑफ पार्टनर्स इन करेक्ट स्टेटमेंट है लीजा लेफ्ट विद नो वे टू गो इज एंगी अपसेट एंड रिजोर्ट्स शार्पली अगेन इन करेक्ट स्टेटमेंट हेगेन्स द पेट्रिया प्रिज्यूम्स हीज अ रिस्पॉन्सिबल मैंटॉल बिकॉज मैन आर मैंटोर्स फॉर वेमेन नहीं बिकॉज देखिए जी बी शाह जो है उनके प्लेस असेंशली प्रो फेमनिस्ट हैं तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर हम देख रहे हैं लीजा का कैरेक्टर अपनी uh, अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है प्लेस जो है ये प्रो फेमिनिस्ट है तो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है स्टेटमेंट की डेट पुअर वुमन मैरिंग फॉर मनी विल बी सेलिंग हर सेल्फ दैट इज वॉट शी इज अंडर हियर सो ये क्वेश्चन उसके मन में आता है सो दिस विल बी द राइट आंसर लीजा दो अ फ्लावर गर्ल हैज़ इनफ प्राइज नॉट टू मैरी फॉर मनी हैं शी रिजेक्ट्स हिजन्स प्लीज़ रिमेंबर इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगर आपको किसी भी राइटर की राइटिंग स्टाइल का नॉलेज है आप बिना कुछ जाने क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि मैम कोटेशंस कहीं से भी आ जाती हैं तो हम उसको आंसर कैसे करें ये बात बिल्कुल ठीक है पर ध्यान रखना इस बात का एग्जामिनर आपको कभी भी एक, एक एम्टी शैलो कोटेशन नहीं देगा आंसर करने के लिए एग्जामिनर भी इस बात का ध्यान रखेगा कि अगर वो आपके सामने अनलिमिटेड लिटरेरी रिसोर्सेज में से कोई भी रैंडम कोट पोस्ट कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कीवर्ड होगा जो आपको आपके आंसर तक ले जाएगा अब अगर हम जी बी शॉ की बात करें तो जी बी शॉ के अराउंड कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे वो लाइफ फोर्स में बिलीव करते थे वो सुपर हीस ह्यूमंस को सुपर स्पीशीज़ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे तो सुपर ह्यूमन केपेबिलिटीज़ में बिलीव करते थे प्रजेंट uh, रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे उनको प्रिजन्स का पॉइंट ही uh, इलेवेंट uh, 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 लग रहा था और साथ ही साथ वॉर्स उन्हें इिवेंट लगते थे एक प्रो फेमिनिस्ट राइटर थे फेमिनिज्म को सपोर्ट करते थे फॉर एग्ज़ाम्पल मिसेज वॉरेंस प्रोफेशन में बहुत अच्छे से वो उस आइडिया को कैरी आउट कर पा रहे हैं राइट सो लाइफ और सुपर ह्यूमन प्रिजेंस वॉर प्रो फेमिनिस्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं एंटी वॉर एंटी प्रिजेंस एक्चुअली एंटी वॉर्स एंटी प्रिजेंस ये कुछ की वर्ड्स इनके अब जब मैं ऑप्शन को देख रही हूँ तो मुझे पता है कि क्योंकि वो एक प्रोटो प्रो फेमिनिस्ट राइटर हैं तो वो फोर श्योर लीजा को आ, अपनी पावर में दिखाएंगे वो आ, उसको अपनी पावर सेल ऑफ़ नहीं करने देंगे राइट सो दिस विल बी द राइट आंसर मतलब अगर मैंने कोर्ट नहीं भी देखा है तो मैं कॉमन सेंस से इस नॉलेज से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकती हूँ ऐसे कोटेशन आंसर होते हैं कोर्ट को पढ़ लो या तो उस कोर्ट में कोई ऐसा कीवर्ड आपको दिख जाएगा जो उस राइटर की सेंट्रल थियोरी को आइडियलाइज करेगा या फिर उसके अंदर कोई ऐसा की कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जिस कॉन्सेप्ट को अगर आप वो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप राइटर के कॉन्सेप्ट से जोड़ के देखोगे तो वो आपको बात समझ में आ जाएगी सो so, इस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर किया जा सकता है ऑल राइट हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दीज लाइन्स आर फ्रॉम एन अविन पोएम अच्छा आप लोगों ने प्ले मुझे बताया साथ ही साथ मुझे हिगिनस का कैरेक्टर और लीजा का कैरेक्टर बता दो जीवी वी के किस प्ले में हमें देखने को मिलता है अगेन बहुत टेक्निकल ये क्वेश्चन हैं ये आपके टी के लिए रेलिवेंट नहीं है ये क्वेश्चन आंसर करते हैं आइडेंटिफाई ऑथर हु द वाइट टाइगर सिलेक्शन डे बिटवीन देशन एंड लास्ट मैन इन टावर तो ये सभी वर्क्स देख के आप सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर पाओगे द आंसर विल बी अरविंद अधिगा अरविंद अधिगा का वाइट टाइगर बहुत ही फेमस इनका नॉवल है डेब्यू नॉवल था अवार्ड विनिंग नॉवल है इसके ऊपर रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी, भी आई थी तो रेलिवेंट हो जाता है तो इन सभी वर्क्स में से आप वाइट टाइगर की समरी जरूर पढ़ लेना ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके कैरेक्टर्स अगर आप देख लोगे तो मुझे लगता है आप काफी फायदे में रहोगे इस रिगार्ड में ठीक है विच वर्क ऑफ नाइपॉल इन द लिस्ट बिलो वॉज साइटेड बाई द नोबेल कमिटी वी एस नाइपॉल के किस वर्क को रिकमेंडेशन मिली थी नोबेल कमिटी से नोबेल प्राइज के लिए उन्हें रिकमेंड किया गया था तो अगेन ये सबसे वी एस अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे बेसिक नॉलेज है उसके हाउस फॉर मिस्टर बिश्वास हाउस इनका सबसे क्लासिकल वर्क है नोबेल नोबेल कमिटी द्वारा रिकोगनाइज वर्क है उसके अलावा ये वर्क आइडेंटिटी के क्वेश्चन को आंसर कर रहा है आइडेंटिटी क्राइसिस को आंसर कर रहा है तो उस रिगार्ड ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और राइट right?

बाकी के सारे वर्क्स नथानियल होथॉन के हैं नथानियल होथन के स्कॉलेट लेटर की समरी आप डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज मैं रिसेंट में ही अगर पेपर्स देखूं यूजीसी नेट ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी पी जी के क्वेश्चन बने हैं तो इस बार डी ट्रबल एस बी के एग्जाम में पूरे पूरे चांस है हैियल होन से क्वेश्चन बनेगा पर्टिकुलरली स्कॉलेट लेटर से क्वेश्चन बनेगा तो आप इसकी डिटेल समरी जरूर कवर करो द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स भी इनका फेमस वर्क है सब हाउस ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते बट एटलीस्ट आप इसकी समरी जरूर कर लेना या समरी मत करो चलो चलो आप इसके सिर्फ कैरेक्टर्स कर लेना ठीक है आप सिर्फ इसके कैरेक्टर्स कर लो उतना भी नफ रहेगा लेकिन स्कारलेट लेटर की डिटेल समरी आप कर लो कैरेक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कैरेक्टर्स ये डायरेक्टली ना पूछ के रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं पूछते हैं ये क्या करेंगे ये आपको रिलेशंस के थ्रू पूछेंगे जैसे कि ईएमआरएस में क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था पर इन्होंने घुमा के ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा कि हु वॉज दसबेंड कोल चीट किया है राइट सो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के उन्होंने पूछ लिया था अंजलि वेरी गुड प्रियंका वेरी गुड पिग मेलियन आंसर वेरी गुड वेरी प्राउड ऑफ यू बोथ पिग मेलियन इज द आंसर अंजलि और प्रियंका के लिए एक एक फाइव स्टार दे देती हूँ भाई दोनों को बिकॉज कमी बच्चे हैं जो क्लास में आंसर करने में इंटरेस्टेड रहते हैं सो so आप दोनों के लिए इंडिविजुअल फाइव स्टार देना चाहती हूँ फॉर करेक्टली आइडेंटिफाइंग बाय जी बी श्योर हाँ जी मुझे एक मैसेज दिख रहा था यहाँ पे मैम मैं असीम हूँ पाकिस्तान से आपकी क्लासेस लेता हूँ थैंक यू सो मच फॉर अरे वंडरफुल आई लव इट वो सो स्वीट <laughs> सो स्वीट असीम uh, आप असीम आप, आप बताइए आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज uh, मेरे पास यू जी सी नेट मेरे चैनल पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश की मेरी क्लासेज लेते हैं और वो कहते हैं कि मैम हम वहाँ पर टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कौन सा टीच मतलब किस तरीके का टीचिंग एग्जाम होता है आप ये स्कूल लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कॉलेज लेवल के लिए लेक्चरर पोजिशन के लिए कर रहे हो ये मैं जानना चाहती हूँ बिकॉज मेरे पास वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे आते हैं पाकिस्तान से जो क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं सो आई एम एक्चुअली वेरी इंट्रीक टू नो ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन किचन सिंह ड्रामा पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये किचन सिंह ड्रामा क्या है कब शुरू हुआ क्यों हुआ इसके फेमस राइटर्स क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है किचन सिंह ड्रामा वाज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन मॉडर्न ब्रिटिश थिएटर बिटवीन नाइनटीन एंड सेवेंटीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस थिएटर ऑप्शन नंबर वन दे ब्रॉड द रियल लाइव एंड सोशल इन द स्टेज ये तो है इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए किचन सिंह ड्रामा में शुरू हुआ था ब्रिटिश थिएटर में शुरू हुआ था अमेरिकन राइटर्स ने भी इसे बहुत ही एंतुजियाली अडॉप्ट किया था असेंशली इसके अंदर वो मिडिल वर्किंग क्लास लाइव्स दिखा रहे हैं मिडिल क्लास के वर्किंग क्लास के कैरेक्टर्स को इसमें दिखाते हैं और उनके रियल लाइफ स्ट्रगल्स को दिखा रहे हैं बुर्जुआ स्ट्रगल दिखाते हैं तो तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है अनलाइक इन द विक्टोरियन थिएटर द सेटिंग्स ऑफ सच प्लेस ऑलमोस्ट ऑलवेज वर्किंग क्लास ये वाला भी करेक्ट है क्योंकि विक्टोरियन थिएटर में तो आपको जनरली अपर क्लास भी देखने को मिलती थी नेक्स्ट दे एडवांस्ड अ पर्टिकुलर सोशल मैसेज और आइडियोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है जैसे मैंने बोला मिडिल वर्किंग क्लास है मैंने एक टर्म यहाँ यूज किया बुर्जुआ बुर्जुआ क्लास दिखा रहे हैं अब ये बुर्जुआ जो टर्म है ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से मिला है हमें क्योंकि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एसेंशियली क्लास डिफरेंस और क्लास स्ट्रगल को स्टडी करती है किचन सिंह ड्रामा में भी बहुत ही आ, बहुत ही एक्सक्लूसिवली हम मिडिल क्लास बुर्जुआ लाइफ को देख रहे हैं वर्किंग क्लास को देख रहे हैं उनका रिलेशन विद द रियल कंडीशन ऑफ एक्जिस्टेंस को स्टडी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स एक पर्टिकुलर क्लास की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं ये प्लेस तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है

ये देवर राधा मोर रियलिस्ट काफी रियलिस्ट नॉवल्स uh, प्लेस थे ये पोलिटिकल नहीं थे ये नेचर में ठीक है सो ऑप्शन फोर विल बी योर राइट आंसर हाँ जी हम टीजीटी टी का फॉर्म दोनों सब्जेक्ट से भर सकते हैं क्या हाँ हाँ बिल्कुल भर सकते हैं चौरसिया बस देखना एग्जाम का डेट ना क्लैश हो जाए आप, आपकी एलिजिबिलिटी अगर मीट हो रही है तो आप दो सब्जेक्ट से भर सकते हैं ओके केपी पीएससी एंड लेक्चरर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम स्टेट का आपका आई थिंक के पी इज इज कराची एंड लेक्चर पोजिशन के लिए ओके गाइज ओके वन डिफर हाई हेलो हाई राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट विच वी आर वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेराइक हार्ट्स मेड वीक बाय टाइम इन फेड बट स्ट्रॉग इन विल टू ट्राई टू सीक टू फाइंड नॉट टू ईल आप भाई अगर ये क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाए फिर तो क्या ही बात है

ये वाली पोएम शाहरुख खान की वन ऑफ इज फेवरेट पोएम्स हैं एक्चुअली आई थिंक इनकी फेवरेट पोएम है राइटर हैं लॉर्ड आल्फ्रेड टेनिसन जो उनके वो अक्सर लॉर्ड आल्फ्रेड टेनिसन की पोएम्स कोट करते हैं और ये उनकी फेमस लाइंस हैं आप उनके कई इंटरव्यूज में देखेंगे कि वो ये लाइंस बोलते रहते हैं टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू ईल तो अगर कोई शाहरुख खान फैंस हैं यहाँ पर तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए द राइट आंसर इज यूलिसिस यूलिसिस बाई टेनिसन ठीक है जी नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं बहुत ही फेमस पोएम है हमारी फेमस राइटर कन्फेशनल राइटर एमिली डिकन्सन की बहुत फेमस पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टेप फॉर डेथ यहाँ से डी ट्रपल एस बी के अलावा किसी और पेपर में भी एग्ज़ाम बना किसी और एग्जाम में भी एक पेपर क्वेश्चन बना हुआ है तो ये भी एक रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम एमिली ए की कौन सी बिकॉज उनकी पोएम्स बहुत सारी हैं तो पूछते हैं एमिली एली को कर पढ़ना है तो कैसे पढ़ें ई एम आर एस के सिलेबस में थी मैंने अपने पेड क्लास में भी स्टूडेंट्स को एक ही पोएम दी थी मेरे नोट्स में एक ही पोएम थी मैंने कहा वो पूरी पोएम लाइन पढ़ लेना क्योंकि उसी पोएम से मैंने अक्सर नेट में टी जी टी पी जी टी में पेपर में क्वेश्चन बनते देखे हैं ये एन बी एस के सिलेबस में भी थी ये ई एम आर एस के सिलेबस में भी थी तो यही उनकी फेमस जो है पोएम जहाँ से क्वेश्चन मैंने अक्सर देखे हैं ठीक है लाइन्स हैं Since then, it's centuries and yet feels shorter than the day. I feel surmised the horse's head were towards eternity. se in lines? Time ceases to exist in afterlife? No. We can only guess where death would transport us to. No. She's very sure, she's sure of the direction that horse's head have taken her to. So, no. Time flies when one is dead. नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ए रेलेवेंट है डेथ इज अ राइड टू इटर्निटी करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे हॉर्सेज की बात हो रही है एंड फेसिंग टूवर्ड इटर्निटी एंड शी सेंग दैट सेंचुरी इज पास बाय लाइक अ डे सो डेफिनेटली टाइम यहाँ पास हो रहा है हॉर्सेज आर मूविंग सो द राइड इज स्टिल ऑन इटर्निटी शी कॉल्स लाइफ इज अटेस्ट लाइफ लाइफ इज ऑफ अटेस्ट पैन बट इटर्टी इटर्निटी पासिस इन सेंचुरीज वो जो टाइम है सेंचुरीज का वो एक दिन में एक झटके में ऐसा लगता है जैसे पास हो गया हो एंड द हॉर्सेज आर डिरेक्टेड टूवर्ड्स इट सो द डेथ इज अ राइट टू इटर्निटी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर क्लियर ये क्वेश्चन आज ही मैंने पढ़ाया है अपने यूजीसी वाली क्लास में बिकॉज हम वहां ट्रेजेडी डिस्कस कर रहे थे आप पूरा क्वेश्चन मत देखो यहां पे एक ट्रैजिक कैरेक्टर है जो अपना डाउनफॉल सफर कर रहा है क्वेश्चन ये छोटा सा क्वेश्चन है व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कॉल्ड एक प्रोटेगनिस्ट जब अपने डाउनफॉल की डिस्कवरी करता है क्लासिकल ट्रेजेडी की टर्म्स में इस मोमेंट को क्या कहते हैं

पेरेपेशिया होता है इट इज़ बेसिकली द मोमेंट वेन कैरेक्टर्स फेट विल अंडर गो अ रिवर्सल चेंज फॉर बैड जनरली सो दैट इज़ पेरेपेशिया हमारशिया इज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ अ ट्रेजिक कैरेक्टर इट इज़ इज फेटल फ्लॉ जो उसका डाउनफॉल कर देगा जो उसकी बर्बादी मचा देगा ठीक है सो हमार्शिया इज दैट एनऑरज इज़ द मोमेंट ऑफ Uh, of understanding of discovering that uh, I have suffered this downfall this moment कि अब यहाँ से चीजें खराब हो गई हैं जैसे ओथेलो में सोचिए ओथेलो प्ले में जब ओथेलो को realize होता है कि उसने डेस्टिमोना को मार दिया है लेकिन इयागो गलत था ये सब confusion इयागो ने क्रिएट किया था वो जो मोमेंट था ओथेलो के लिए वो एनानॉरिस था ये सारी जो फेमस टर्म्स हैं ग्रीक टर्म्स हैं एनानॉरिस पेरेपेशिया hamartia ये सब हमें मिली हैं एरिस्टोटल के पोइटिक्स से ये भी याद रख लीजिए रख लीजिए ये सब हमें Aristotle के पोलिटिक्स से मिला है रिटन अराउंड सेंचुरी ठीक है ये यह भी याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आइए आगे देखते हैं टी एस एलियट सजेस्ट दैट विलियम ब्लेक सिंपली डिड नॉट हैव द गिफ्ट ऑफ नोइंग हाउ टू बोरो एज बोरोड हाउ डू क्रिटिक्स रिब एलियट एंड डिफेंड ब्लेक इनरेलीवेंट क्वेश्चन टीजी टी के लिए लेट्स मूव फॉरवर्ड

ये मैंने अभी अभी UGC वाली क्लास में समझाया था तो मैं आपके साथ एक बार ये पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ बिकॉज आई थिंक उधर लिटरेचर के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे मैं रिसेंटली जो पीजीटी एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करवाऊंगी और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि पांच सात क्वेश्चंस तो आपको टीजीडी में वहीं से देखने को मिल जाएंगे उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिस साल पीजीटी हुआ है उसी साल अगर टीजीटी हो जाए तो फोर श्योर वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको रेपटेशन में देखने को मिलेंगे सो so, वो हम मंडे से शुरू कर लेंगे अभी के लिए जो टॉपिक हमने ये क्वेश्चन देखा था एक बार उसको मैं डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ मैंने उसको आज ही यूजीसी वालों के साथ किया है आपके साथ भी कर देती हूँ हाँ जी खाइबर पातून पब्लिक सर्विस कमीशन ओके असिन ओके, ओके ओके वंडरफुल अरे वाह अरे वाह वाहम बहुत ही बढ़िया आइए देखिए तो हमारे पास एक ट्रेजिडी प्ले का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए उसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसा होगा ये हमें बताया है एरिस्टोटल ने अपने पोइटिक्स में इसमें उन्होंने कहा है कि अब यहाँ प्लीज अच्छे से देख लो चाहिए बना भी लेना डायग्राम अपने हाथ से बिकॉज अगर एरिस्टोटल से कोई क्वेश्चन या ट्रेजिडी प्ले से कोई क्वेश्चन आता है यहीं से बनेगा इसके बाहर नहीं बनेगा ठीक है तो उन्होंने हमें फाइव एक्ट मॉडल दिया था उन्होंने कहा था कोई भी आपका जो ट्रेजिक प्ले है वो फाइव एक्ट्स के मॉडल में होना चाहिए पहले दो एक्ट्स में तो आपको ये वाला जो पोर्शन है सारी इंफॉर्मेशन रीडर के सामने दे दी जाती है जो आपका एक्ट थ्री है ये क्लाइमैक्स मोमेंट है तो ये एक पॉइंट है जब आपका प्लॉट अपने जेनेथ अपने पीक पे पहुंचता है उसके बाद जो ये वाले जो दो एक्ट्स हैं यहाँ पे आपको डाउनफॉल और कंक्लूजन देखने को मिलेगा तो उनका जो ये उनका प्लॉट कंस्ट्रक्शन का ये जो आइडिया है इसको हम एक पिरामिड मॉडल की तरह स्टडी कर सकते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि ये एक पिरामिड है एंड uh, हमारे जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो एक्ट वन में होती है एक्सपोजिशन यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स और सिचुएशन और सेटिंग्स आपको इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी ठीक है ये इन मीडिया रेस होती है इन मीडिया रेस यानी इन द मिडल ऑफ एक्शन ये भी टर्म नोट कर लीजिए इन मीडिया रेस यानी कि इन द मिडल ऑफ तो हमें सारी स्टोरी मिलती है इन द मिडल ऑफ एक्शन दिस इज एक्सपोजिशन यहाँ पे आपको सारी सिचुएशन सेटिंग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे नेक्स्ट आता है इसमें राइजिंग एक्शन एक्ट टू में यहाँ पे स्टोरी धीरे धीरे करके क्लाइमैक्स तक बढ़ रही है एक्ट थ्री में क्लाइमैक्स आता है क्लाइमैक्स इज द जेनिथ इट इज द पीक ऑफ द प्लॉट यहाँ पे ऑल द लूज एंड विल बी टाइड नो न्यू कैरेक्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस नो न्यू सिचुएशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड अब आपके प्लॉट में कोई नया डायमेंशन नहीं ऐड हो सकता जो इंफॉर्मेशन यहाँ मिली है उसी को हमें वर्कआउट करना पड़ेगा यहाँ पर अब उसके बाद एक्ट फोर आता है यहाँ पे आपका एक्शन फॉल करेगा ये वो मोमेंट है जब एक्शन फॉलिंग होगा एंड इसे हम बुलाते हैं डिनाउमेंट क्या बुलाते हैं डिनाउमेंट एंड फाइनली एक्ट फाइव में वी हैव कंक्लूजन ठीक है हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका <coughs> स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका उसके बाद फाइनली जब प्ले एंड होता है तो आपको आपका कंक्लूजन मिलेगा एक्ट फाइव में सो so, ये मॉडल रहता है जो हमें आर एस टोटल ने दिया था ठीक है नेक्स्ट ये देख लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ट्रेजिडी प्ले असेंशियली रेप्रजेंट और ड्रामेटाइज द डाउनफॉल ऑफ अ नोबल कैरेक्टर फ्रॉम हिस् स्टैटस और ही मे इवन डाई ऑल दो ही इज नोबल इन कैरेक्टर ही इज आइडियल इन एवरी वे पॉसिबल बट वन देर इज वन रीजन वाई ही विल सफर द डाउनफॉल तो उसका डाउनफॉल होगा उसके हमारशिया की वजह से हमारशिया क्या है उसका ट्रेजिक फ्लॉ उसका फेटल फ्लॉ जब यह कैरेक्टर एक डाउनफॉल सफर करता है तो जो ऑडियंस है जो स्पेक्टेटर है वो जब उसका डाउनफॉल देखेंगे तो उनके मन मन में किस तरीके की फीलिंग्स इवोक होंगी फीलिंग्स ऑफ ऑ एंड फ्योर ये ऑ एंड की फीलिंग्स जब अपने जनित पे अपने पीक पे पहुंचेंगी तब उनका परगेशन होगा उनका रिलीज होगा द रिलीज ऑफ दिज एक्सट्रीम टाइड अप इमोशंस इज कॉल्ड कथार्सिस दिस इज द मोमेंट ऑफ रिलीज ऑफ ऑल द इमोशंस एंड दिस मोमेंट इज नोन एज कथार्सिस इंग्लिश में वी यूज अ वर्ड परगेशन अब यहाँ पे मैंने आपको पेरेफ्रिज पेरे पे, सॉरी पेरिपेटिया और अम, पेरिपेशिया और एनन समझाया है एन इज द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन पेरेपेशिया इज द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फॉर दिस नोबल कैरेक्टर ओके अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आई एम श्योर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत रेलिवेंट रहेगा ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और जैसे पीछे देखा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है ठीक है चलो क्लास एंड करती हूँ यहाँ पे मंडे को मिलते हैं मंडे से और क्वेश्चंस करेंगे कोशिश करती हूँ लेट मी ट्राई टू गेट ड्राप माई हैंड्स ऑन द लेटेस्ट डी टू प्लस बी पी एग्जाम लेट सी व्हाट हाउ दैट गोज एंड अगर वो क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाता है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपके साथ सॉल्व करवाने के लिए तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन टी जी टी पी जी टी अडा ट्वेंटी फोर सेवन इसी के साथ याद रखिए कि हमारे सभी बैचेस पे आप लोग जानते ही अगर आप हमारे सभी बैचेस में वेबसाइट से एनरोल करते हैं तो आपको मैक्सिमम सेवेंटी सेवन परसेंट का डिस्काउंट मिलता है अगर आप हमारी एप्लीकेशन से एनरोल करते थे तो आपको मैक्सिमम सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट मिलता था कोड आप लोग लगाते थे मेरा वाई फाइव फोर टू डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज़ करते थे वाई फाइव फोर टू अभी तक इतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा था अभी क्या है कल अड्डा ने फिफ्टीन ईयर्स कम्प्लीट किए येस्टे वी सेलिब्रेटेड आर फाउंडेशन्स डे सो फाउंडेशन डे 15 ईयर्स uh, so, जो हमने हमारे कम्प्लीट किए हैं तो उसकी सेलिब्रेशन में सिर्फ आज तक के लिए क्योंकि वीकेंड आ गए सब कल ख़त्म हो जाएगा सिर्फ आज के लिए आपको सेवेंटी नाइन परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो हमारे बैचेस में एनरोल करके अपने एग्जाम की तैयारी पूरा करना चाहते हैं या अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो ध्यान रखना आप हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाओगे तो इस वक्त आपको सभी बैचज़ में इंडिविजुअली और इवन टीचिंग महापैक में भी डबल वैलिडिटी प्लस सेवेंटी का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा नॉर्मली ये बैच आपको एक साल के लिए मिलता है अब आपको दो साल के लिए मिलेगा और सेवेंटी नाइन परसेंट के डिस्काउंट के साथ कोड जब आप लगा के देखोगे ये देखो नॉर्मली आपको वेबसाइट पे 77% ऑफ दिखता है और एप्लीकेशन पे 78% इस वक्त 79% दिख रहा है 12 प्लस 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है और ये तेईस हजार का बैच आपको सिर्फ 4800 का मिल रहा है अभी हमने प्राइस भी इंक्रीज किया था उसके बाद ये 5100 का हो गया था लेकिन अभी के लिए 4800 का है सो आई थिंक ईच पेनी काउंट्स ईच पेनी मैटर्स पैसे बचाओ पैसे बढ़ाओ नौकरी लो और मैं आपसे मिलती हूँ मंडे को हैव अ वेरी गुड सैटरडे एंड संडे टेक केयर बाय बाय